इस हैप्पी गुड़ी पड़वा वो पहचाना नहीं, स्पेक्ट नहीं लगा है, तो आप ही की ज्योति हूँ। यहाँ पे हम लोग देखने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते निफ्टी 50। तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कल के दिन निफ्टी 17,200 के ऊपर जाता है तो हमें लॉन्ग पोजिशन क्रिएट करनी एंड फिर हमारे पास टारगेट होने वाला 17,250 एंड 300 का। 300 के ऊपर अगेन कॉल राइटर स्ट्रांग है और कल के दिन है वीकली एक्सपायरी भी। तो सिंपल लाइक रिजेक्शन मिलता है तो हमें शॉर्ट करना है 17,100 के नीचे, हमें शॉर्ट करना एंड 17,000 हम लोगों का फर्स्ट टारगेट है एंड उससे नीचे भी चला जाता है मार्केट तो 16,950 हम लोगों का देन सेकंड टारगेट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज के जो भी फेस्टिवल है जैसे कि मराठी फेस्टिवल, गुड़ी पाड़वा, जो भी मराठी पर्सन होते हैं उनके न्यू ईयर का फर्स्ट डे होता है, तो यहाँ पे उस मौके पे मैंने मेरा एक मराठी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। जो भी यहाँ पे मराठी कम्युनिटी से या मराठी बैकग्राउंड से जिनको मराठी आते वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टॉक मार्ट प्रो मराठी चैनल का नेम है, उसके ऊपर आपको पूरे मराठी लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट के बारे में इन डिटेल बेसिक से एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे मैंने मेरी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी ना जीरो से, जो फर्स्ट डे एंड आज के डेट तक जितने मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस आए, जितने मैंने मतलब प्रॉब्लम फेस किए, किसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था या अभी किसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसलिए मैं सक्सेसफुल या प्रो ट्रेडर लेवल में आ चुकी हूँ, तो वो सब चीज़ें उस चैनल में मैं एक्सप्लेन करने वाली। तो जल्दी से जाके उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का 50 मिनट्स का चार्ट है। तो कल के दिन बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर जाता है तो आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना एंड 40,200 एंड 40,400 आपके साथ पास बाइंग साइड के टारगेट है। एज इट इज यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं 40,000 के, यहाँ पे आपको बेरिश कैंडल मिलती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। फिर आपके पास 39,900 का फर्स्ट टारगेट है या मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए 39,900 के नीचे ओपन होता है तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कीजिए, फिर आपके पास 39,700 एंड 39,600 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। कुछ हमने लेवल्स देखे और आज के दिन है फेस्टिवल, जैसे कि मराठी न्यू ईयर है तो मराठी न्यू ईयर मतलब हमारे मराठी में जैसे आप दिसंबर 31 या 1 जान को कुछ प्लान करते हो नेक्स्ट ईयर तक मुझे कुछ करना है, तो आप अभी भी प्लान कर सकते हो क्योंकि आज हम लोगों का न्यू ईयर है। तो यहाँ से आप प्लान कीजिए आपके लाइफ का गोल नेक्स्ट ईयर तक अचीव होना चाहिए। जैसे कि कोई होम मेकर होगा जो मेरा वीडियो देख रही तो उन्होंने प्लान करना मुझे नेक्स्ट ईयर तक स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने, मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही ऐसा एक करियर है या ऐसा एक प्रोफेशन है जिसमें कोई भी आपका बॉस नहीं है या कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकता कि तुम क्या करी काम करिए क्या नहीं, या ऐसा यही एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आपको खापे भी नहीं जाना है। जैसे कि आपके आपका कोई बेबी है बट आप बेबी की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे, तो ऐसा यही एक प्रोफेशन है जिसमें आप एक जगह पे एक जस्ट स्मार्टफोन या एक आप लैपटॉप से कहाँ पे भी एनी प्लेस के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट ट्रेडिंग करने से पहले आपको नॉलेज लेना रिक्वायर है, नहीं नॉलेज लेते हो तो ट्रेडिंग डेफिनेटली रिस्की या डिफिकल्ट पार्ट है। विदाउट नॉलेज कभी भी ट्रेडिंग में मत आना।